नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे शाहजहां के समय जो उत्तराधिकार के युद्ध लड़े गए उन सभी युद्धों के बारे में, और ये जो युद्ध हैं ये लड़े गए शाहजहां के पुत्रों यानी कि औरंगजेब और उनके भाइयों के बीच में, जो कि अंतिम रूप से औरंगजेब इनमें विजयी हुआ और अगला जो मुगल बादशाह है शाहजहां के बाद वो औरंगजेब बनता है। आपने वॉर ऑफ सक्सेशन के बारे में दो मेजर वॉर सुने होंगे। वैसे तो बहुत सारे वॉर ऑफ सक्सेशन हुए, हर राजा के बाद उनके पुत्रों के बीच में बहुत बार लड़ाइयां हुई हैं और बहुत सारी ऐसे युद्ध हुए हैं, लेकिन दो फेमस हुए हैं। उनमें एक है ये मेडाइवल पीरियड में जब औरंगजेब और उनके भाइयों के बीच में लड़ा गया, और एक एंशियंट टाइम में हमने पढ़ा था अशोक सम्राट और उनके भाइयों के बीच में जो युद्ध लड़े गए थे उत्तराधिकार के, जिसमें अशोक सम्राट ने अपने भाइयों की हत्या करके और उनको हरा के वो वहां पे मौर्य एम्पायर का राजा बना था। ठीक है, तो ये चीजें हैं और अब हम पढ़ रहे हैं मुगल बादशाहों के बारे में, और हमने अभी तक पढ़ चुके हैं पांच मुगल बादशाहों के बारे में, बाबर से लेकर शाहजहां तक। शाहजहां की हमने पूरी जो जीवनी है और उसका जो रूल है वो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसका जो सक्सेशन है उसके लिए जो लड़ाइयां हुई उनको देखेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे औरंगजेब को। ठीक है, तो ये जो लड़ाइयां हैं इनके पीछे क्या कारण थे, इन युद्धों में क्या क्या परिणाम हुए, कौन कौन से युद्ध लड़े गए, और उसके बाद औरंगजेब की जीत के पीछे के क्या कारण थे, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप यूपीएससी एसएससी रेलवे एंड वेरियस स्टेट पीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सक्सेस प्लस एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वॉर ऑफ सक्सेशन क्या होता है और ये जो वॉर ऑफ सक्सेशन है ये कब लड़ा गया। देखिए 1657 58 और 59 में ये लड़ाइयां लड़ी गई थी, जो कि लड़ी गई मुगल तख्त पे अगला बादशाह कौन होगा शाहजहां के बाद। ठीक है, और ये उसके जीते जी ही लड़ाई लड़ी गई, ऐसा नहीं है कि शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। शाहजहां की मृत्यु तो आगे चल के 1666 में होगी, लेकिन इनके बीच में क्या क्या चीजें हुई वो सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। देखो आपको पता होगा कि शाहजहां के जो बहुत सारे पुत्र थे और उनमें से उनकी जो बेगम थी मुमताज महल, उनके 7 पुत्र पुत्रियां थी, हालांकि 14 पुत्र पुत्रियां थी, उनमें से 7 की मृत्यु हो गई थी और 7 बचे थे, और वो 7 में से 4 बेटे जो थे उनमें सबसे बड़ा था दारा शिको, उसके बाद था शाह शुजा, उसके बाद था औरंगजेब और उसके बाद था मुराद बख्श। इनके बीच में ही ये उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा गया, और इनकी 3 बहनें थी जो कि अपने अपने भाइयों को सपोर्ट कर रही थी। हर किसी का मानना था वो अपने अलग अलग भाई को सपोर्ट कर रही थी, जैसे कि दारा शिको को उनकी बहन सपोर्ट कर रही थी जहां आरा, ठीक है, औरंगजेब को सपोर्ट कर रही थी रोशन आरा, और मुराद बख्श को सपोर्ट कर रही थी गोहर आरा, ठीक है, और शाह शुजा को कोई भी बहन सपोर्ट नहीं कर रही थी क्योंकि इनकी 3 ही बहनें बाकी बची थी। ठीक है, साथ ही साथ बहुत सारे जो और लोग जो थे कोर्ट में वो भी अलग अलग इन प्रिंसेस को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये लड़ाइयां लड़ी क्यों गई, इनके पीछे कारण क्या थे, उससे पहले देख लेते हैं कि ये जो 4 बेटे हैं इनको क्या क्या अपॉइंटमेंट मिला हुआ था इससे पहले। ठीक है, शाहजहां ने अपने बेटों के बीच में लड़ाई ना हो इसके लिए उनको अलग अलग जगह का गवर्नर नियुक्त कर रखा था। अपने सबसे बेटे बड़े जो बेटे थे दारा शिको, इनको इन्होंने बनाया था नॉर्थ का गवर्नर, और साथ ही साथ इनको सक्सेसर भी डिक्लेयर कर दिया था कि मेरे बाद अगला एम्परर कौन बनेगा, दारा शिको। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा बेटा है शाह शुजा, इसको बंगाल का गवर्नर बना दिया था। तीसरा बेटा औरंगजेब है, इसको साउथ का गवर्नर बना दिया था, और सबसे छोटा बेटा जो मुराद बख्श है इसको गुजरात का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। ठीक है, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, हर कोई इनमें एम्परर बनना चाहता था, इसी वजह से इनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। अब उस उत्तराधिकार के युद्ध से पहले कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि इस युद्ध के कारण बने। वो कारण क्या क्या हैं, उनमें से पहला कारण है कि शाहजहां की डेथ की एक रूमर फैला था। क्या हुआ था, सितंबर 1657 की बात है और शाहजहां बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए, इसी वजह से काफी लोगों में एक रूमर फैला कि बादशाह जो हैं वो मर चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि वो कोर्ट में भी नहीं आया करते थे, कोर्ट नहीं आते थे बहुत टाइम से, उन्होंने किसी तरीके की कोई असेंबली अटेंड नहीं की थी, तो इसी वजह से एक रूमर फैला कि शाहजहां की मृत्यु हो चुकी है, और इसी वजह से एक इंटरनल डिस्टर्बेंस बन गया कि बहुत सारे लोगों के बीच में ये हो गया कि अगला राजा कौन बनेगा। देखो मुगलों में ये चीज नहीं थी कि एक अपने आप ही मान लिया जाए कि जो सबसे बड़ा बेटा होगा वही बनेगा, ऐसा नहीं है। मुगलों में ऐसा कोई रूल नहीं था कि बड़ा है वही बनेगा बादशाह, बादशाह वो बनेगा जो योग्य होगा, ये हम पीछे से देखते आ रहे हैं। शाहजहां भी सबसे बड़ा बेटा नहीं था, जहांगीर भी सबसे बड़ा बेटा नहीं था, लेकिन फिर भी वो बादशाह बने, तो इसी वजह से कयास लगाने लग गए लोग कि कौन अगला बादशाह होगा। और ये जब न्यूज
जहांगीर ये जो बेटे हैं इनके उनके पास पहुंचती है। जैसे दारासी को तो इसके पास है, उसको तो पता है कि मृत्यु नहीं हुई है बादशाह की, वो उसकी सेवा कर रहा है शाहजहां की। लेकिन औरंगजेब है, उसके अलावा मुराद बख्श है, शाह शुजा है, इनको ऐसा लगने लग गया कि ये जो दारा सिको है ये राजा ना बन जाए, इसीलिए उनके बीच में एक तरीके से द्वेष आ गया, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, ठीक है, गृह युद्ध होने लग गया। उसके बाद क्या होता है, दूसरी बड़ी घटना होती है कि जो शाहजहां है वो दारा सिको को अपना सक्सेसर अपॉइंट करता है। दारा सिको उसका सबसे बड़ा बेटा है और उसके बाद इसको लोग जो हैं, इसके जो कट्टर मुस्लिम हैं इसके दरबार में, वो इसको पसंद नहीं करते हैं। कारण क्या होता है, दारा सिको का जो नेचर है वो रिलीजियस टॉलरेंट होता है, वो रिलीजियस ही बहुत लिबरल होता है, उसकी जो सोच होती है दूसरे धर्मों को लेकर वो बहुत ही दूसरे मुगल बादशाहों के कंपेरिजन में बढ़िया होती है, जैसे कि अकबर की थी। वो मानता था कि जो हिंदू और मुस्लिम धर्म है वो एक जैसे ही है, बस भगवान को पाने का और अल्टीमेट ट्रुथ को पाने का अलग एक एक रास्ता है। इसी तरीके में उसने क्या क्या किया कि हिंदू धर्म के जो कुछ ग्रंथ हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, योग वशिष्ठ है और कुछ उपनिषद हैं, इनको पर्शियन भाषा में उसने अनुवाद भी कराया। तो इस तरीके का नेचर होने की वजह से जो मुस्लिम जो एक्सट्रीमिस्ट थे उसको पसंद नहीं किया करते थे और वो लोग चाहते नहीं थे कि दारा अगला क्या बने, एम्परर बने मुगलों का, ठीक है। तो इसी वजह से दारा का जो अपॉइंटमेंट है वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया और लोग इसको नहीं पसंद करते थे। इस वजह से भी ये युद्ध ज्यादा होने की संभावना हो गई, जो सक्सेशन का वॉर है वो होना शुरू हो गया। उसके अलावा इसकी जो नेचर थी, ये सिख गुरु जो थे, सातवें सिख गुरु हैं हर राय, उनका भी मित्र था, उनके साथ इसकी दोस्ती थी, अनलाइक इसके पिता जो हैं शाहजहां की भी उनके साथ अच्छी नहीं बनती थी, सिख के गुरुओं के साथ, और जो इनके ग्रैंड फादर हैं जहांगीर उनकी भी नहीं बनती थी, अर्जुन राय जी का उन्होंने हत्या करवाई थी। हालांकि अकबर की बहुत ज्यादा सिखों के साथ बनती थी, उन्होंने जो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर बना हुआ है वो जमीन उन्होंने ही दी थी गुरु रामदास को। लेकिन दारा सिखो का जो नेचर है वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं था, ठीक है। तो एक ये रीजन रहा, उसके अलावा कुछ और रीजन भी रहे, उनमें से कुछ हैं जैसे कि सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ कोर्टियर, जो कोर्ट में दरबारी जो लोग थे वो अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखने लग गए कि कौन सा प्रिंस उनके लिए सही रहेगा। उनके अपने अपने मोटिव थे किसी को भी राजा बनाने के, कोई चाहता है कि औरंगजेब बने, कोई चाहता था मुराद बने, कोई चाहता था शाह शुजा बने, ठीक है। और उसी तरीके से ये प्रिंस जो थे ये भी अपने अपने आप को बहुत ज्यादा योग्य समझते थे और चाहते थे कि वो राजा बने, ऑब्वियसली सब यही चाहेंगे कि वो ही आगे चल के एम्परर बने। साथ ही साथ एक चीज ये थी, मुगलों के बीच में आपको पता है कि बाबर के समय से ही ये चलता आ रहा है कि उनका ये मानना था कि जब राजा बनेगा, जो राजतंत्र में कोई भाई भतीजावाद नहीं है, उसके अंदर राजा वही बनेगा जो योग्य होगा। ऐसा नहीं है कि ये भाई बड़ा है तो चलो इसको राजकाट दे दो, ऐसा कोई चीज नहीं है, राजकाट देने का कोई प्रथा इनके थी नहीं। तो जो योग्य होगा, जो पावरफुल होगा वो राजा बन जाएगा, बाकियों की चाहे उसको हत्या क्यों ना करनी पड़े, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा रीजन था। उसके अलावा एक बड़ा रीजन ये भी था कि लॉ ऑफ सक्सेशन डिफाइन नहीं था मुगलों के अंदर कि कौन अगला सक्सेसर बनेगा, इसके लिए कोई किसी तरीके का कोई चुनाव तो होता नहीं था, किसी तरीके का कोई कानून भी नहीं था कि अगला राजा कौन बनेगा। तो ये भी एक बड़ा रीजन रहा इस वॉर ऑफ सक्सेशन के पीछे, ठीक है। तो ये हमने कारण देखे इसके युद्ध के पीछे के, और उसके बाद देखते हैं हम कि ये जो वॉर शुरू हुआ तो कौन कौन से बड़े बड़े इवेंट हुए, ठीक है। जो ही पता चला मुराद को और शाह शुजा को कि दारा सिको को एम्परर ने, बादशाह एम्परर ने क्या कर दिया है, अपना सक्सेसर घोषित कर दिया है, तो सबसे पहले उन लोगों ने नाराज होके, मुराद ने गुजरात में अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और शाह शुजा ने बंगाल में खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, ठीक है। दोनों गुस्सा हो गए कि हम तो अलग से राजकाज चलाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ इधर औरंगजेब जो है वो इस घटना को एक तरीके से ऑब्जर्व कर रहा था दूर से, उसने प्लान बनाए, उसने अपने डिप्लोमेटिक प्लान बनाए कि किस तरीके से उसे शासन करना है, राजा बनना है। उसने सीधा आक्रमण नहीं किया, न ही खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया, उसने सबसे पहले क्या किया, मुराद बख्श को जाके एक सीक्रेटली प्लान समझाया कि ऐसा करते हैं कि शाह शुजा और दारा सिको को हम मार देते हैं, उनको हरा देते हैं, और बाद में जो ये बचेगा साम्राज्य हमारा इसको हम बांट लेंगे, मैं तेरे को पंजाब, सिंध, काबुल और कश्मीर दे दूंगा और बाकी साम्राज्य पे मैं शासन करूंगा, यानी कि औरंगजेब ने ऐसा कहा। तो इस बात पे मुराद एग्री हो गया और इनके बीच में एक एग्रीमेंट बन गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने आक्रमण नहीं किया, उसी के बीच में एक जल्दबाजी में शाह शुजा ने आक्रमण कर दिया मुगल आर्मी पे, यानी कि दारा सिको की आर्मी पे। उधर से दारा सिको की आर्मी थी और दूसरी तरफ शाह शुजा की आर्मी थी, और ये पहला आक्रमण हुआ, पहला बैटल लड़ा गया इस सक्सेशन की लड़ाई के लिए, जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ बहादुरपुर।
बहादुरपुर में ये युद्ध लड़ाया गया बनारस के पास, और वहां पे क्या होता है, साज सुजा आक्रमण करता है और दूसरी तरफ दारा सिंह को अपनी मुगल आर्मी को भेजता है, और साज सुजा को यहाँ पे उल्टे मुंह की खानी पड़ती है, उसको बुरी तरीके से हार हो जाती है उसकी, और वो बंगाल की तरफ वापिस भाग जाता है। ठीक है, तो पहला युद्ध में क्या होता है इसको समझ लीजिए, साज सुजा जीत जाता है, साज सुजा हार जाता है और दारा सिंह को जीत जाता है। औरंगजेब और इधर मुराद बख्श अपनी सेनाओं को तैयार कर रहे होते हैं कि वो अब आक्रमण करेंगे किस पे, दारा सिंह को। और इसके बीच में दो युद्ध होते हैं, दारा सिंह की आर्मी एक तरफ, दूसरी तरफ मुराद और औरंगजेब एक तरफ। ठीक है, वो दोनों अलाइज हो चुके हैं। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले धर्मत का आक्रमण होता है, धर्मत का बैटल होता है, टोटल चार युद्ध हुए थे। पहला मैंने आपको बता दिया है बहादुरपुर का, उसके बाद होता है धर्मत का, फिर होता है सामूगढ़ का, और फिर होता है खाजुआ का। ठीक है, ये चार युद्ध हुए। दूसरे युद्ध में, धर्मत के युद्ध में, औरंगजेब और मुराद ने मुगल आर्मी को हरा दिया। देखो, वो मुगल आर्मी जिसको बादशाह शाहजहां चलाता था, उसको इनके प्रिंसेस ने हरा दिया है, पहली चीज। उसके बाद ये युद्ध ऐसा नहीं है कि आगरा को पूरी तरीके से सीज कर लिया, एक लड़ाई हारा है दारा सिंह को, अभी तरीके से पूरी तरीके से वो साम्राज्य नहीं हारा है। ठीक है, इसी वजह से एक और युद्ध होता है, बैटल ऑफ सामूगढ़ इसको बोलते हैं, जो कि सामूगढ़ जो है ये आगरा से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे ये आक्रमण करते हैं मुराद और औरंगजेब दारा सिंह को। देखो, इस आक्रमण में क्या होता है, दारा सिंह को शुरू में एडवांटेज होता है, वो लगता है कि वो जीत जाएगा, लेकिन बीच में एक ऐसा ब्लंडर हो जाता है कि दारा सिंह को अपने हाथी से उतर के घोड़े पे बैठ जाता है। इसी वजह से जो उसकी सेना है उसको दिखता नहीं है दारा सिंह को, कि दारा सिंह को कहाँ गया, कहीं उसकी हत्या तो नहीं हो गई, या फिर वो युद्ध छोड़ के भाग तो नहीं गया। इसी वजह से सेना जो है वो डिमोरलाइज हो जाती है, और इसकी वजह से ये लड़ाई हार जाते हैं। ठीक है, दारा सिंह को ये हार जाता है, और इसकी ये जो लड़ाई थी ये पूरी तरीके से हारने से आगरा का जो किला है वो हार जाते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो आगरा को फिर सीज कर लिया जाता है, यहाँ पे बादशाह शाहजहां है उसको भी बंदी बना लिया जाता है, और उसको भी जेल में डाल दिया जाता है आगरा की। ठीक है, तो यहाँ पे रॉयल आर्मी पूरी तरीके से सरेंडर कर चुकी है, किसके सामने, मुराद और औरंगजेब के बीच में। ठीक है, और शाहजहां के यहाँ पे इंप्रिजनमेंट होता है, और अगले 8 साल तक, जब तक कि शाहजहां की मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक उनको जेल में ही रहना पड़ता है। 1666 की जनवरी में उनकी मृत्यु होती है, और तब तक वो जेल में ही रहता है। ठीक है, अब बात क्या हुई थी, मुराद और औरंगजेब के बीच में बात ये हुई थी ना कि वो कश्मीर और ये जो इलाका है, ये मैंने आपको बताया था पंजाब, सिंध, काबुल, ये सारा मुराद को दे देगा, लेकिन ऐसा औरंगजेब ने नहीं किया। वो अपने वादे से फिर गया, और उसने सबसे पहले मुराद की ही हत्या करवा दी। ठीक है, धोखा दे दिया अपने भाई को, सबसे छोटे भाई को उसने मरवा दिया। तो चार में से कौन बचे, तीन भाई बचे हैं अब, औरंगजेब, दारा सिंह और शाह सुजा। अब बाकी दो की भी उसको हत्या करवानी है, तो सबसे पहले ग्वालियर फोर्ट में उसकी हत्या करवा देता है मुराद की। उसके बाद एक युद्ध होता है औरंगजेब और शाह सुजा के बीच में। अब शाह सुजा सोचता है कि मैं औरंगजेब को हरा दूं तो मैं वहां पे एम्परर बन जाऊंगा, लेकिन इस चीज में वो सक्सेसफुल नहीं होता है। शाह सुजा को 1659 में औरंगजेब बुरी तरीके से हराता है, और उसके बाद वो भाग जाता है छोड़ के, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो शाह सुजा भी हट गया, मुराद भी हट गया, अब बचा है दारा सिंह और उसके दो बेटे। अब दारा सिंह के साथ तो जो कोर्ट के जो लोग थे, जो रॉयल लोग थे, लॉयल थे, वो तो उसी तरीके से उसके साथ नहीं थे, उनकी हत्या कर दी जाती है दारा सिंह और उनके पुत्रों की। इवन ऐसा माना जाता है कि उनकी हत्या करके उनको पूरे जो साम्राज्य है उसके अंदर घुमाया गया कि ये अधर्मी है, इसने इस्लाम को पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया, क्योंकि जो उसके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू थे, उसके लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू थे, उससे कहीं भी ये जो औरंगजेब है ये उसको बिलीव नहीं करता था। औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम था, वो कट्टर था, एक्सट्रीमिस्ट था, दूसरे धर्मों की वो रेस्पेक्ट नहीं करता था। इसी वजह से आगे चल के हम जब देखेंगे औरंगजेब के बारे में पूरा उसकी बायोग्राफी कवर करेंगे, तो ये पतन का भी कारण बनता है आगे चल के मुगल बादशाहों का, क्योंकि आप जानते हैं औरंगजेब के बाद ये जो ग्रेट मुगल्स का जो साम्राज्य है वो खत्म हो गया है। उसके बाद लेटर मुगल आ जाते हैं और उनका जो अंपायर है वो बहुत छोटा छोटा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जितना अंपायर इनका था उतना ही उनका रहता है। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है और ये सबकी हत्या कर दी जाती है। तो अब चीज देखते हैं कि औरंगजेब सक्सेसफुल क्यों हुआ, बाकी लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए। उसके पीछे कुछ कारण ये हैं, एक तो ये बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा कमांडर था, ये आर्मी को बहुत अच्छे से इसकी लीडरशिप क्वालिटी जो थी वो किस तरीके से ये और वो करना है, ऑर्गेनाइज तरीके से युद्ध करना है, उसमें ये बेटर था अपने भाइयों से। उसके अलावा इसकी जो डिप्लोमेसी है, जिस तरीके से इसने मुराद को अपने पक्ष में किया, उसको धोखा दिया, वो भी इसके पक्ष में रहा।
कि इसकी डिप्लोमेसी इसके काम आई, अगर मुराद इसके पक्ष में ना होता तो ये मुगल आर्मी को शायद अकेला नहीं हरा पाता, ठीक है। उसके अलावा दारा का जो कैंप था उसी के अंदर यूनिटी नहीं थी, दारा को बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उसके खिलाफ हो गए और उसको धोखा दिया, इसलिए दारासी को हार गया, ठीक है। उसके अलावा एक चीज ये थी, जो हथियार जो थे वो औरंगजेब के पास सुपीरियर थे अपने भाइयों के कंपैरिजन में। इसका कारण ये था कि भारत में यूरोपियंस की एंट्री हो चुकी थी, आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ चुकी थी इस समय तक, और जो बाकी यूरोपियंस हैं वो भी आ चुके थे यहाँ पे, हॉलैंड के भी आ चुके थे और उसके अलावा ये क्या बोलते हैं फ्रांस के भी आ चुके थे। तो इन वजह से इनके जो हथियार थे उनका भी इसने यूज किया। ये बहुत सारे ऐसे जर्नल्स को रखता था जो यूरोपियंस थे अपनी आर्मी में, तो इनके पास जो बंदूकें थी और वो हथियार थे वो बाकियों के कंपैरिजन में बेटर थे। उसके अलावा शाहजहां की जो कमजोरी है वो अपने नियुक्त किए गए सक्सेसर को वो नहीं बना पाया एम्परर, तो ये उसकी कमजोरी है। ऐसा नहीं है कि दारासी को अकेले की कमजोरी है, वो चाहता और वो पावरफुल होता तो उसकी आर्मी जो है बाकियों को रिवोल्ट करने नहीं देती, तो शाहजहां की भी इसमें कमजोरी दिखती है। उसके अलावा दारा का जो अनलक्कीपन है, जो वो अनलक्की रहा दारा, जो हाथी से उतर जाता है घोड़े पे बैठ जाता है, उससे सामूगढ़ का युद्ध हार गया, तो इन चीजों की वजह से दारा हार जाता है और औरंगजेब फाइनली राजा बन जाता है। और इस युद्ध का परिणाम आप सभी को पता है कि आगे चल के जो कि ये कट्टर मुस्लिम राजा बनता है औरंगजेब, ये आखिरी मुस्लिम जो रूलर है, मुस्लिम नहीं आखिरी जो रूलर है ग्रेट मुगल्स का, वो बनता है। और इसके बाद ये जो रिलीजियस एंटागोनिज्म है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद औरंगजेब का जो शासन है 31 जुलाई 1658 से 3 मार्च 1707 तक चलता है। इसके बाद लेटर मुगल आ जाते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे। देखो ये जो है उसके बाद बहादुर शाह प्रथम आ जाता है और औरंगजेब जो है वो अंतिम ग्रेट मुगलों में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे ये डिक्लाइन शुरू हो जाता है एक्चुअल में मुगलों का, ठीक है। और इनके बीच में ही क्या होता है, 6-8 साल बाद जेल में ही मृत्यु हो जाती है शाहजहां की। और उसकी मृत्यु के बाद भी ये कहीं भी पिघलता नहीं है औरंगजेब, उसको दफनाने के समय उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है, उसको ताजमहल में दफना दिया जाता है। 8 साल उसकी सेवा करती है जहां आरा बेगम, जो कि दारा सिखों को सपोर्ट कर रही थी। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये बहुत ही ब्रूटल तरीके से औरंगजेब अपने भाई की भाइयों की हत्या करवाता है और अपने पिता को जेल में डाल देते हैं। तो ये था वॉर ऑफ सक्सेशन, यानी कि उत्तराधिकार का युद्ध, जो कि शाहजहां के बाद तख्त की लड़ाई थी, पिकॉक थ्रोन पे कौन बैठेगा, और अंतिम रूप से इस पे औरंगजेब बैठा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।